Now I head out in differential equation part 2. Clear that. चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट टू में क्या था, पार्ट वन हमने कर लिया था। पार्ट वन में हमने बात करी थी किसके बारे में, क्वेश्चन बनाने के बारे में। ठीक है करिए, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें तो बड़ा बढ़िया था ये। लास्ट हमने करा क्या था, मैं तो भूल भी गया। लास्ट कौन सा क्वेश्चन करा था, नहीं और भी कुछ करा था, एक और चीज पढ़ी है किस, बस इतने करता। चलो छोड़ो, हैंड डालो। हैंड डालो, हैंड डालो। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री तो हो गया था ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें लिखो द वैल्यू ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, the value of y which is a function of x, the value of y which is a function of x is the solution of the differential equation, solution of the differential equation which is in the terms of derivatives, which is in the terms of derivative. Question likho, isse pata lagega. Aisa question aata hai, verify that y is equal to e ki power minus 3x, verify that y is equal to e ki power minus 3x is a solution of is a solution of d2y by dx2 plus dy by dx minus 6x equal to 0, 6y sir. ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझने और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो करते क्या, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक, अब जरा ध्यान सुनो, करना वही है जो हम पिछले चैप्टर में करते आए हैं। उसने बोला ये वेरीफाई करना है इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो मैंने अभी ऊपर क्या लिखा है कि जो फंक्शन y होगा, जो y होता है किसकी टर्म्स में, x की टर्म में। तो देखो y क्या x की टर्म में है, देखो y is equal to e की पावर माइनस 3x, तो x की टर्म में तो है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किससे पता, परसों बताया था उस दिन भी, कि dy by dx के टर्म में अगर कोई इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम बता चुके थे, क्लियर। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वेरीफाई का मतलब क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो है ना वैल्यू, ये इसके अंदर क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं। साफ सीधी बात ये, ठीक है। तो कैसे करना है, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है और सिंगल डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है। तो y बराबर है e की पावर माइनस 3x, आसान है इसका सिंगल डिफरेंशिएशन। तो dy by dx निकाल दे जरा फटाफट, कितना है माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल दो, d2y by dx2 कितना आएगा, d2y by dx2 आपका आएगा माइनस, पॉजिटिव का 9 हो जाएगा ना, e की पावर माइनस 3, यहां तक सही है, ठीक है। अब सारी वैल्यू को LHS में रख दो, ठीक है, LHS साइड में रख दो, ये टायर तो ऊपर है, सारी वैल्यू को LHS साइड में रख दो। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो आंसर है, तो सॉल्यूशन है, ना करे तो सॉल्यूशन नहीं है। रखेंगे साथ साथ, देखो 9 e की पावर माइनस 3 सही रखा, कहीं गलत दिक्कत हुई होता था, प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 e की पावर माइनस 3x और माइनस 6y ना, माइनस 6 y की जगह e की पावर माइनस 3x। सॉल्व करो इसको, 9 e की पावर माइनस 6 आ गया ना माइनस, देखो
आंसर आया एग्जैक्टली जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया ना, तो इट इज द सॉल्यूशन। कोई परेशानी? ठीक है, इट इज द सॉल्यूशन, नोट करें जल्दी। ऐसी वेरीफाई वाले एक दो क्वेश्चन करते हैं और आगे समझे जीता। पहले मैं वेरीफाई करना सिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन समझ में आया ना, है क्या? साफ सी बात समझो, x की y की ऐसी वैल्यू जो x के टर्म में होगी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। चलो अगला लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट y is equal to a cos x plus b sin x. Verify that a cos x minus b sin x. Minus b sin x कर देना। A cos x minus b sin x is a solution of differential equation. ये रही differential equation. d2y by dx2 प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आराम से अटेम्प्ट करो, आसान है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन तो? एक मिनट, डबल डिफरेंशिएशन निकाल, सिंगल वो तो दे ही रखा, अब वैल्यू पुट कर दो बस, सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, वैसे चेक कर ले। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी सिखाना ना। ठीक है, ठीक, मजा आएगा आज। सॉल्यूशन कोई दिक्कत सर जी किसी को? किसी को पूछना है पीछे? हाँ भाई, हो गई वाला। ठीक, एक होमवर्क लिख लो, ये घर पर करना, आराम से लिखो। वेरीफाई दैट ये है x प्लस वाई टेन इनवर्स y, ठीक, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो y डैश मतलब क्या होता है, dy by dx बता चुका हूँ, जिसको भी डाउट है साइड में लिख लिया करो। y1 मतलब या dy by dx मतलब या y डैश मतलब, सबका मतलब सेम होता है। या y2 लिखाओ, d2y by dx2 लिखाओ, या y के ऊपर डबल डैश लगाओ, ये सबका मीनिंग क्या है, सेम है। हाँ ये y स्क्वायर, ठीक है, जल्दी लिख दो भाई, हो जाएगा वाले भी सिंपल घर में आराम से। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, या भूल गए? चलो नेक्स्ट लिखो, इसी में ये वेरीफाई तो तुम कर जाओगे, हेड डालो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, लिखिए इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते क्या, नाम से क्लियर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होंगे, जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होंगे ना, पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। जैसे हमने आंसर निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल, ये इक्वेशन दे दीजिए, इसमें एक्स और वाई की जगह कोई वैल्यू पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हैंड डालो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, लिखिए द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय गिविंग which are obtained by giving which are obtained by giving particular values to the arbitrary constant particular value देनी है किसको, arbitrary constant। और परसों arbitrary constant बताए थे मैंने, पढ़ा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन था अभी जो करता y =
a cos x plus b sin x लिखा था, अभी क्वेश्चन है उसमें a और b जो होंगे वो क्या होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है ना, उनके लिए चेंज नहीं, उनको बोला था ठीक, ऐसी बात ठीक बस। अच्छा ये बताओ अगर a और b को वैल्यू दे दोगे तो a और b तो गायब हो जाएंगे फिर, जैसे y = a cos x + b sin x है और मैं बोलूं a और b को 1 दे दो तो गायब हो जाएंगे ना, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम एक और नाम देते हैं, लिख लो, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन, इट इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सही नाम है, इट इज सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहे ऐसा बोला जाता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट ठीक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस, लिखो शो दैट y इज इक्वल टू x² + 2x + 1 is the solution of the initial value problem, initial value problem d3y / dx3 = 0, comma y0 = 1, y′0 = 2 और y′′0 = 2 ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मैं मीनिंग बताऊंगा, देखो 2 मिनट में कैसे सफा चट कर जाओगे। तो क्वेश्चन लिख लिया, अब ध्यान सुनना, उसने कुछ नहीं बोला है, उसने सिंपल सा काम तुम्हें करने के लिए बोला है, शो करना है ये क्या एक सॉल्यूशन है ठीक है, सॉल्यूशन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है सॉल्यूशन क्या था, अभी हमने करा था वेरीफाई तो अभी कर रहे थे ना क्वेश्चन, बस इस बार क्या है वैल्यूज गिवन है, जैसे एग्जांपल तुम पहले 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे, चेक करना 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, कर लोगे डिफरेंशिएशन आराम से ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, इसका dy/dx कितना होगा, अच्छा dy/dx को ना y' भी लिख देना, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आगे y' भी लिखा है, कितना आएगा इसका 2x + 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे y" यानी डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका बताओ, 2 आएगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन y" कोई दिक्कत, तो पहला वाला पॉइंट तो प्रूव हो गया ना कि क्या ट्रिपल डिफरेंशिएशन कितना है 0, तो पहले पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं है ठीक है। ऐसे ही y0 पे आते हैं, y की 0 मतलब जहां आपका फंक्शन है y यही तो है, इसमें x का 0 रखो कितना आएगा आंसर बताओ, x का 0 रखो 0² + 2 0 + 1 कितना आएगा आंसर, क्या सही आ रहा है y0, ये भी हो गया ये भी हो गया, अब कौन सा बचा, ये दो, तो y′0 मतलब जो डिफरेंशिएशन आया है इसमें x की जगह 0 रखना है, 2x + 2 आ रहा था ना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 तो आ गया 2, कोई परेशानी इसमें, लास्ट क्या बचा y′0 बस इसमें डाल दो, हाँ ये तो इसमें तो कुछ ही नहीं रखना है, तो सीधा 2 लिख दे, कोई परेशानी इसमें, x ही नहीं ना, कोई परेशानी इसमें पूरे ऐसे करना है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, हमें जो वैल्यूज दी उन पे सेटिस्फाई कराना है इक्वेशन को ठीक, ऐसे कोई महाभारत तो हमने करी नहीं, अब आगे आएगा धीरे धीरे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो है वो वहां से जब हम वो करेंगे ना सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगा जब मैं बेसिकली, तब है नहीं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी ना तब उसको सॉल्व करने के टाइम पे काम आएगा, जैसे होमोजेनस 1 तारीख से स्टार्ट होगा, कल से एओडी स्टार्ट कर देंगे ना, आज तो कोई आएगा मुझे पता है, चाहे मैं कभी बुला लूं, एओडी स्टार्ट करेंगे कल से, एनसीईआरटी करेंगे इस बार ढंग से, पहले एनसीईआरटी से हमने करी भी है ऑनलाइन भी करी हुई, जहाँ बैठा के कराऊंगा ना सारी की सारी एनसीईआरटी तब हो जाएगी, बड़े एओडी ढंग से कराएंगे एनसीईआरटी, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन में टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक तो पढ़ाना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा कटा हो, मैंने ऑनलाइन में पढ़ा दिया पूरा का पूरा, तो पढ़ना होगा वहाँ पढ़ लेगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा,
वो हाँ इस बार मैंने कराने पूरे कराने भाई, इस बार तो ढंग से लगाएंगे। पहले एक्सरसाइज तो खैर वैसी है, वो रेट वाली है, वो भी एनसीईआरटी ही करेंगे, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कौन वाला सैंड वाला। इनकी इंडिकेशन तो कुछ नहीं है, वो तो मजाक है। लैडर वाला भी आता है सैंड वाला, वो पूरा करना। हाँ वो यही बैठ के कराएंगे, तभी होंगे बच्चे, कल से ही करेंगे ना कुछ। हम वो ही पढ़ा यूट्यूब में, वो सारा कंटेंट पढ़ाता है बहुत पहले। हाँ एक बार जब उधर बैठते तब भी कराया, नहीं नहीं करा अभी। चलो हैंड डालो। अच्छा ये मैंने परसों कराया था, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो तुम्हें एक लाइन से ज्यादा आएगा, मैंने कहा था जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ऐसा कुछ बताया था। आ गया, बैठा होगा सबकॉन्शियस माइंड में तो याद आ जाएगा। ठीक है तो चलो एक क्वेश्चन से याद आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व v इज इक्वल टू, v की फॉर्म में, y की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू a अपॉन r प्लस b, ऐसे दी a अपॉन r प्लस b, वेयर इसमें लिखा होगा वेयर कैपिटल a एंड कैपिटल b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। वेयर कैपिटल a एंड कैपिटल b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन बचा फिर, r। हाँ वैसे चलेगा फिर, क्योंकि देखो मैंने बताया था ना सारी चीजें कि dv by dr क्यों होगा, रीजन बताया था इंडिपेंडेंट। बहुत बढ़िया, चलो भाई dv by dr निकालो पहले, कितना आएगा सिंगल डिफरेंशिएशन। इसको मैं v1 लिख लूँ ताकि बाद में एक साथ ही अरेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। कितना आएगा इसका, माइनस a अपॉन r स्क्वायर, ये आ रहा। v2 भी निकाल दो क्योंकि दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, दो बार डिफरेंशिएशन होगा ये बताया था मैंने, दो बार होगा ना डिफरेंशिएशन क्योंकि दो आर्बिट्री कौन से। कितना आएगा इसका, 2 अपॉन आर क्यूब आएगा शायद, 2 अपॉन आर क्यूब है, ये आ रहा 2a अपॉन आर क्यूब, ये आया डिफरेंशिएशन आता है। चलो किसी को दिक्कत यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे v पे रख दो। चलो रखते हैं, चलो वैल्यू a और b की वैल्यू, b तो हट गया अपने आप ही। चलो स्टार्ट करो, ध्यान से देखना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये काम कर लो जरा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लो। देखो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू यहां से निकाल लो कि कहीं से भी निकालो, निकालो जरा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से कितनी आ रही, v2 r क्यूब अपॉन 2, यही आ रही। अच्छा एक बात तो, जैसे ही वैल्यू यहां रखूंगा तो मेरी b की वैल्यू निकलेगी नहीं, निकलेगी कितनी आएगी बताना, इसमें रखने का, इसमें ये जो ओरिजिनल है, पुट लिख भी देता, पुट a इज इक्वल टू v2 r क्यूब अपॉन 2 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड थर्ड मान लो, इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, फर्स्ट क्या आएगा बताओ, v इज इक्वल टू v2 r क्यूब अपॉन 2r और प्लस b, कोई परेशानी, कितना आएगा अगर सॉल्व करके बताना, सो v इज इक्वल टू v2 r स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b। ठीक है b की वैल्यू निकालनी, b कितना आएगा, हाँ 2v, नहीं नहीं ये 2b हो जाएगा ना, यहाँ एल्स 2b हो जाएगा, 2v अपॉन v2 r स्क्वायर, सही है, सही है। अरे ऐसा हो कलाकार, देखो इसको इधर भेज दो चाहे तो, ये प्लस का भी है ना, मतलब ये पूरा का पूरा, तो 2v माइनस v2 r स्क्वायर अपॉन 2b, यही आएगा, निकाल लोगे ना b, अरे ऐसे निकाल लो तुम, कर ले, सही है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू, ए की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, बी की वैल्यू भी यहाँ पे, तो इसमें रख दोगे तो बन जाएगी इक्वेशन, मैं तो कहता हूँ ए की वैल्यू से निकालो ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना, थोड़ी अच्छी दिख, रुक जाओ साफ कर दे थोड़ा और, अच्छा अच्छा करते ना, काम अच्छा होगा तो मजा आएगा।
पुट यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से देखो क्या आएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वी वन आर स्क्वायर। अब इसको पुट करो किसमें, फर्स्ट में करो जरा, v इज इक्वल टू कितना आएगा, v इज इक्वल टू माइनस वी वन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी। ये पुट करा इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, अब बताओ कितना आ रहा है, हाँ बी प्लस वी वन आर आएगा, बी आएगा बी प्लस वी वन आर, सही यहाँ तक। अब ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सबको इधर पुट कर दो जहाँ तुम्हारी इच्छा, ठीक है, बस वी की वैल्यू आनी चाहिए, कोई इक्वेशन बननी चाहिए प्रॉपर, डबल डिफरेंशिएशन ना आया ना, कोई नहीं ए की वैल्यू डाल दो, क्या फर्क पड़ता तो आएगी, कोई वैल्यू डाल लो, पूरा बता दो एक बार, देख भाई अच्छा सा तरीका, एक बार ध्यान से पूरा देख ले, एक बार हमने कहा दो डिफरेंशियल लिए ना, दो आर्बिट्री कॉस्ट, दो बार डिफरेंशिएशन कर, पहले v1 निकाल, v1 मतलब सिंगल डिफरेंशियल, कितना आएगा, माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाले कितना आएगा, 2a upon r, क्यों इसमें कोई परेशानी, डिफरेंशिएशन है ये, r की बार माइनस टू ऊपर जाएगा तो पावर आगे आएगी, तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस पावर एक कम कर देना, आर की बार माइनस टू है तो माइनस थ्री हो जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया। अब इसको देख ध्यान से, थोड़ा सा ना इसको ना आंसर जो आना चाहिए ना, वी टू वी वन सबकी फॉर्म में आना चाहिए, वो कैसे आएगा देखो, तुम्हारा आंसर खाली वी वाई वी कितना आया उसमें पुट करने की बात, ए और बी के टर्म में ही आ रहा क्या, हाँ कोशिश करना, अगर नहीं आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वी टू तो आना ही चाहिए, वी टू ले आना, हाँ पहला वाला सही तो क्यों हटेगा भी, कैसी बात कर रहे थे, यहाँ से मैंने वी टू, यहाँ तो सही है, यहाँ से वी टू की वैल्यू निकाल, आर ए की वैल्यू निकाल, इससे वी टू आर क्यूब अपॉन ऐसा बोला था, सही है वाली ए की वैल्यू, ठीक, या फिर हम इसी से तो बना सकते हैं, अरे क्या मस्त है, इसको ऐसे लिखते हैं टू, इसको अगर ऐसे लिख दूँ ए अपॉन आर स्क्वायर तो कोई दिक्कत है क्या, और माइनस माइनस भी लिखूँ, इसमें कोई दिक्कत है इसको ऐसे लिखने में, नहीं है ना, लेकिन मेरा ये पैटर्न बन जाएगा ना, v2 इज इक्वल टू माइनस टू वी वन, नहीं आ जाएगा टू अपॉन आर वी वन आ जाएगा, ये सही है तो ऐसे लिख सकते हैं तो फायदा हो जाएगा। अब a की वैल्यू इसमें डाल ले, b तो निकल ही जाएगा आराम से, जैसे इसमें पुट कोई वैल्यू डाल ले जो तेरी इच्छा, ये वाली डाल ले, पुट a इज इक्वल टू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस वी वन आर स्क्वायर इन फर्स्ट डाल सकते हैं ना, ये वाली यहाँ से आ जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस वी वन आर स्क्वायर, अब सही है, तो b इज इक्वल टू a की जगह लिख माइनस वी वन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी, कुछ कैंसिल हुआ, माइनस वी वन आर प्लस बी, बी की वैल्यू आ गई v प्लस वी वन आर। अब सारी वैल्यू तुम्हें रखनी है जो तुमने निकाली है इसमें रख देना, ठीक है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो मर्जी रखनी है तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसमें तो रखी लेगी ना यार वीडियो वी टू वी वन आई है, ठीक है वी वन की वैल्यू वाली डाल देना, वी वन की वैल्यू यहाँ से तो आ ही सकती ना, बस वहाँ से वी टू की टर्म में आ जाएगा, मैंने कहा भाई मेरे ऐसे शक की नजरों से देख रहे, देख यहाँ डाली माइनस वी वन, देख ले आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी की जगह वी प्लस वी वन आर, इतना सही है, ठीक है ठीक है, इतना यहाँ से सॉल्व करके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैंसिल होने स्टार्ट हो जाएगा, बी इक्वल टू वी वन आ जाएगा, अगर कैंसिल करने पे आ गया तो वी से वी कट जाएगा, पर एक काम कर सकते हो तुम वी टू वी वन की जगह वी टू डाल दो, वी वन की यहाँ से वी टू डाल दो ना, तो कैंसिल नहीं होगा, एक जगह डालना बस, दोनों जगह मत डाल देना कहीं, वी से भी कैंसिल हो रहा क्या, नहीं नहीं कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रही है,
फिर तुम्हें वही बड़ी वाली वैल्यू से काम करना पड़ेगा, है ना? लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं बन रहा था, ये दिक्कत थी। चलो कोई नहीं, अरे कोई नहीं, बड़ी हो रही थी ना वो, कोई नहीं, कैलकुलेशन नहीं ज्यादा। और क्या, एक ही वैल्यू हाथ से निकालो, वी टू आर क्यू, अब सही है, कैलकुलेशन है बस। इसमें पुट कर, पुट इन फर्स्ट, कितना आएगा? वी इज इक्वल टू, एक ही जगह लग दो वाली वैल्यू, आर क्यूब अपॉन टू आर, ऐसे जो आंसर होता है। सॉरी सर, टू आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी, बी की वैल्यू आ गई थोड़ी बड़ी, टू बी माइनस बी टू आर स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ये ए और बी आ गए, अब कैंसिल तो नहीं होगा कहीं, देख लेना, अब भी तो नहीं हो रहा कैंसिल, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, देखना कैंसिल हो रही वैल्यू, ये भी कर सकते, फिर रखेगा कहाँ वैल्यू? ए और बी के लिए तो निकाल लेगा। चलो करते इसको, करते 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 आराम से करेंगे। अरे कोई नहीं, अरे आ गई थी यार वो डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने फालतू के ड्रामे करे, वो आ गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन। चल बे, ना करना भी नहीं था, अरे नहीं करना था यार इतना, हमने सही कर दिया था यहीं पे, मैंने सही बना दी थी वो। वी टू इक्वल टू माइनस टू, हमने ये तो कर लिया था, बस हो तो गया था। वी टू इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी है? वी वन, बस तो आ तो गया। वी टू इक्वल टू प्लस का टू अपॉन आर वी वन इज इक्वल टू जीरो, है तो डिफरेंशिएशन में ना, ये है तो डिफरेंशिएशन में, तो आ तो गई। हाँ फालतू में ड्रामे करे, नहीं छोड़ते। अरे हमें ये देखना होता है बस कि ए और बी हट गए, जब ए और बी हट जाए फिर काम हो जाता है। ए और बी तो यहीं हट गए थे ना इसी स्टेप के बाद। चलो सही था, कुछ सीखा था ना, तो इतना याद रखना, बस ए और बी हट जाए तो उसको वहीं पे कर दिया करो सॉल्व, अभी तो करेंगे और टेंशन। क्या बोल बोल, लिखो भी अगला। जब नहीं कटेगा तब मेहनत करनी पड़ेगी। एक और लिखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको फैमिली ऑफ कर्व दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स। अब इसको सॉल्व करो, जरा डिफरेंशिएशन करो इसको, ए की वेरिएबल है ना, तो एक ही बार होगा डिफरेंशिएशन, बस ध्यान रखना। कितना आएगा इसका वाई वन? टू एक्स प्लस टू वाई, वाई वन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई वन यहाँ से टू है, यहाँ तक सही है ना? क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से देखो ए को हटाना है, तो ए की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकाल दो ना, ए की वैल्यू पहली इक्वेशन से निकल सकती है, पहली इक्वेशन से ए की वैल्यू आ सकती है, उसको यहाँ पे ला के रख दो। जैसे यहाँ पे रखोगे तो ए तो हट जाएगा ना, बस हमें बस ए को हटाना है अपॉन एक्स। अरे नहीं, टू ए की जगह आएगा एक्स प्लस एक्स अपॉन, सॉरी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ रहा हो, ये आएगा जब ए निकालेगा अपॉन टू भी तो आएगा, इस टू को पूरे के नीचे आएगा टू एक्स। ले यार लिख के दिखा, ले यार देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे आएगा टू एक्स, अब सही है क्या? अरे इससे निकालना, इससे इजी रहेगा, यहाँ पुट कर देगा डायरेक्ट, यहाँ से एक वैल्यू निकालेगा वाई वाई वन के टर्म में आएगा, फिर वो वहां पुट करेगा, बात तो वही पढ़नी है, ठीक है? यहाँ से एक्स बाय
कितना आएगा, ये तो x by 2 आएगा, ये आएगा y square upon 2x is equal to, अब सही है, अरे यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ, तो 2 a की जगह ये वैल्यू डाल दे डायरेक्ट, x upon 2 plus y square upon 2x, अब इसको सॉल्व कर देना बस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा सॉल्व करके, 2x plus 2y y1 is equal to x plus y square upon x. सॉल्व हो गया, x x इधर उधर ट्रांसफर करो, कितना आ रहा है, इसको जरा सिंपल फॉर्म में लाना, राइट हैंड साइड में जीरो बनाना, एलसीएम वगैरह ले ले, अरे ये आया 2x स्क्वायर, कितना खुश हो गया, 2x by y1 माइनस का x माइनस y स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आई ना इक्वेशन, यानी जी इक्वेशन x है, a है ही नहीं ना, हमें तो a हटाना बस, टारगेट वही है, नोट कर लेते, देखो भाई एक और ये वाला ठीक है, अबे जितने पैरामीटर उतनी बार डिफरेंशिएशन करो और उसको हटाओ बस, सिंपल काम है, जैसे एक क्वेश्चन और, हाँ पहले एक साइड में यही, पहले दूसरी, पहले में तो शायद ऑर्डर इन डिग्री है, है ना, हाँ हाँ कर लो, तो पहली में ऑर्डर इन डिग्री है, दूसरी में ये वाला काम, दूसरी में वाला काम है, ये बढ़िया काम है, लिखो इसमें, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तुम्हें नॉलेज ना शेप्स की भी होनी चाहिए, जैसे सर्कल की नॉलेज होनी चाहिए, याद है सर्कल सर्कल इक्वेशन कुछ कोनिक पढ़ा था, चलो एक बार लिख लो सारी इक्वेशन एक साथ, फिर तुम भूल जाओगे मुझे पता, पहला लिखो x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये सर्कल की थी ऐसा कुछ लिख डालो, इसका काम आएगा ना, फिर तुम बोलोगे पहला ये सर्कल की, हाँ पहली वाली, बाकी कंडीशन तो खुद ही लगा लोगे ना, कि अगर ओरिजिन से पास होगा तो एच और के जीरो होगा, वो तो सबको आता ही है, ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिख लो सर्कल की, पैराबोला था, पैराबोला में चार इक्वेशन थी याद होगी, कौन सी कब थी वो तुम देखना, मैं लिख के देता हूँ, एक थी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये कब थी, एक ये थी, और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर यही थी, बना के भी दे ही देता, बाद में तुम गाली दोगे अपने आप, आता है पहली दूसरी एक ये और ये डाउनलोड, बस ऐसे चार से, ये चार पैराबोल के अलग अलग टाइप की इक्वेशन है, सही है, यूज होगा ना इनका, क्योंकि इन सब में पैरामीटर तो है ही, है ना, वो हटा, ये दो हो गई, इसके बाद कौन थी, इलिप्स, पहले एलिप्स था फिर हाइपरबोला, हटा दे पक्का भाई, चलो देखो एलिप्स भी याद आ जाएगा तुम्हें, भूल तो गए हो ही, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये डिपेंड करता है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस वाला एलिप्स था, ऐसा बनता है एक्स एक्सिस वाला एलिप्स, देखो कुछ याद है, ये x एक्सिस वाला एलिप्स, और यही अगर ऐसे में हो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तब जब b ग्रेटर देन a हो,
सही है, नहीं नहीं इसको तो ऐसे रखो, ये सही है, ये इसका रखो, ये सही है। B greater than अगर A होगा तो ये बनेगा y, मतलब जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा, याद है ना, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा तो उसको ले देते हैं, तो ऐसे सीधा वाला बनेगा। तो ये ऐसा बन गया दो डायग्राम। बोल बोल बोल, सही हो सही हो। अरे तुमने वैसे पढ़ा होगा ना फिर कि तुम उल्टा ले लेते थे, तुम फिर A को हमेशा x के नीचे वाला मानते थे, ऐसा कुछ होता था, तुम ऐसा ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, मैंने तुम डायरेक्ट बता दिया, तुम्हें जैसा याद है वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं, जिसने ऐसे पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ाया था, तुमको ऐसा याद है, इसलिए मतलब ऐसे पढ़ाया था, तुमको ऐसे याद होगा, सॉरी। माइनस आए उसमें ये होता है जिसके आगे प्लस का साइन होगा उसके अकॉर्डिंग बनता है, बस माइनस आ लगे। ये एलिप्स हो गया, ये क्या है, एलिप्स। नेक्स्ट शेप कौन सी है, ये भी कर लो, ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर ये वाला है, ठीक है, तो इसमें सिंपल है, प्लस किसके आगे, एक्स के आगे, तो एक्स के अकॉर्डिंग बनेगा हाइपरबोला, ऐसा वाला, सही है। और यही अगर ऐसा दिया होता वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तब ये कैसा बनता, एक्स पे बनता ऊपर, नहीं नहीं उल्टा बनाएंगे, हाँ सही थे, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में, यस सर, ये एलिप्स हाइपरबोला तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, फिर तुम मेरे को परेशान नहीं करोगे ना। लिखो एक क्वेश्चन है, लिखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हूज सेंटर इज एट ओरिजिन, हूज सेंटर इज एट ओरिजिन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सेंटर किसमें, ओरिजिन में, हाँ वो ले लेना, इक्वेशन सबको आती है, इक्वेशन में कोई कमी नहीं, सर्कल की तो आती है, अभी लिखा है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, उसने बोला है सेंटर ओरिजिन पे, मतलब h और k कितने हो गए 0,0, बस एक काम कर लो h और k को 0,0 मान, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर, कोई परेशानी इसमें, सही है। कितने पैरामीटर है, एक, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका सीधा, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, सीधा निकाल ले, पहले देखते क्या होता, 2x plus 2y, y1 is equal to 0, सही है इतना, कोई परेशानी, यहीं से निकाल लो, आ तो गया ये, y1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस x upon y, यही आएगा क्या, आ गया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिया बस y plus y1 plus x upon y, आ तो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या सोच रहे हो, a है ही नहीं ना इसमें, तो a तो डायरेक्टली मूव हो गया, हमने तो कुछ मेहनत भी नहीं करी इस बार, तो कोई दिक्कत भाई लोग, ये एक मार्क्स में आता है पेपर में, कर लोगे ना, ये छोड़ के तो नहीं आओगे, भरोसा नहीं मुझे तुम पे वैसे भी। अगला भर भर के, वेरीफाई वाले तो कर लोगे ना, वेरीफाई वाले तो आ गए तुम्हें, तुम निपटाई डालोगे, चुप रहे यार। तो एक क्वेश्चन डिफरेंशियल में, इसके बाद एक वो, अब तीन दो क्लास और लगेंगी इसमें, हम वो करेंगे कल, लग देते एक दो घंटे क्लास कल रख लेते हैं ना, सुबह ही रख लेते हैं दो घंटे, एक उसमें हम वो कर लेंगे ना, होमोजीनियस वगैरह स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वही अगला टॉपिक है, वेरिएबल सेपरेबल पहले फिर होमोजीनियस है, तभी तो मैं बढ़ा रहा हूँ। वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस और कौन है, तुम्हारे स्कूल लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है, इसमें बस एक टॉपिक बड़ा है लीनियर वाला, वो है या नहीं इस बार सिलेबस में देख लेना एक बार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करा दें, और क्या मेरा क्या जा रहा, पूछ लो। एनसीईआरटी की सिर्फ सेकंड पार्ट अभी दियो, एनसीईआरटी क्वेश्चन कराते हैं ना,
9.1 9.2 तुम कर सकते हो, 9.1 9.2 तुम कर सकते हो, फिर उन तुलना क्या आया नहीं मैं 9.2 के लास्ट के अभी ये दो है। इसमें बोला है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 11 12th ही बता रहा हूं सर, सी बात करता है आदमी। उसमें वही है वो प्रूव करना है, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है, जो भी होता है। एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ फिर करना, लिखो क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लिखो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा आता है क्वेश्चन देखना, प्रॉपर लिखा हूँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ऐसा क्वेश्चन आता है। इसके लिए तो मैं उसी से होगा क्वेश्चन जिसको ये पता होगा एक्स एक्सिस एट ओरिजिन कि ओरिजिन को टच करता है तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या बनती है, सर्कल की इक्वेशन याद है, ये भूल गए, जब ओरिजिन पे टच करता है, दाल भात के साथ तो नहीं उड़ा दी, इक्वेशन बना दो बस हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन का ये मतलब होता है, बना के फिगर बना के समझ में आएगा, सर्कल ऐसा बन सकता है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, दूसरा सर्कल एक ऐसा बन सकता है इसका रेडियस थोड़ा कम हो, सर्कल तो ये भी होगा ना और एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल्स के बारे में बात कर रहा है, पहले तो ये समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे सर्कल के बारे में जिक्र कर रहा है जिनका ओरिजिन पे क्या है एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है ऐसा, ठीक। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकाल रहे थे, अगर याद ना हो तो मैं दो मिनट में याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, आपको याद आ जाएगा, काम हमारा हो जाएगा, ठीक। खुद सोचो बीच में सेंटर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे खुद बताओ, अगर सेंटर है तो 0, हमें पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट हम सबको होता है माइनस एच कॉमा माइनस के फॉर्म में होते थे, ये डिस्टेंस हो ए, ये रेडियस है ना, तो ये बन जाएंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा 0, a, कोई परेशानी इसमें, ये किसके कोऑर्डिनेट है सेंटर के, कोई दिक्कत इसमें, हमारे पास इक्वेशन बनेगी, याद करो सेंटर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, कोई परेशानी इसमें, अब सॉल्व करो इसको कितना आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू a स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा ये भाई सर, अब सही है, अब सॉल्व करो कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ay, नोट करो जरा फटाफट, सही है गलत है पहले ये बता दो, सही दिक्कत ये इक्वेशन कैसे बनाई बस ये सीख जाओ पहले, तो ये तो हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में भी, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगे वो समझ लो बस, मेन वही है और कुछ नहीं, कॉनिक तो ढंग से पढ़ा था ना, याद है कि नहीं वो अलग बात है, तो क्यों करा उसे चक्कर, अब जरा इसका डिफरेंशिएशन निकालो, एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है ना, एक ही पैरामीटर क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन करो, आंसर बता दो कितना आया, एक बार डिफरेंशिएशन करो, हाँ भाई हाँ हाँ ए की वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ेगी क्या, देखियो जरूरत लग रही, वैसे एक काम हो सकता है पर उसमें काम बहुत लंबा लग जाएगा, इस 2y को ना इधर भेज दो या y को पूरे को इधर भेज दो, सोचने में बड़ा अजीब लग रहा है पर हो सकता है, x अपॉन सॉरी x स्क्वायर क्या 2 क्या ही कर लेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना लास्ट में, तो फालतू 2 के साथ लपड़ झपड़ क्या करनी, तो x स्क्वायर अपॉन y प्लस y इज इक्वल टू 2, अब सही है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पर इसमें क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़ जाए, यहां पे करेगा पर फिर से ए जनरेट हो जाएगा ना, तो ए को डायरेक्टली मूव करने वाला है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि ले ऐसा हो जाएगा,
बिल्कुल कर सकते, बात तो वही पड़ी है, क्वेश्चन रूल तो लग गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो ऐसी कर लो तुम्हारी इच्छा, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो, ये नहीं इसमें नहीं लगे, इसमें एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक ही वैल्यू रखना कितनी है, यहाँ से निकालो, पुट ए इज इक्वल टू, यहाँ से कितनी आएगी एक ही वैल्यू, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई, सीधा लिख दो, यहाँ पुट कर दो, किसका इस वाले का करो तो एक्स करो टू एक्स, हाँ इसमें वाई वन भी आएगा, वाई वन भी आएगा, टू वाई वन, तो एक्स प्लस टू वाई 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 इज इक्वल टू टू, एक ही जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई और यहाँ पे वाई वन, कुछ कैंसिल हुआ, टू से टू गया और कुछ तो है नहीं खास, चलो इधर भेज दो इसको, यानी टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वन प्लस वाई स्क्वायर वाई वन, ये इतना है सॉल्व, सबको इधर भी बुला लो, ये उधर भेज दो जैसे तुम्हारी इच्छा, तो बनेगा अगर उधर भेजो तो एक्स स्क्वायर वाई वन, उधर भेज रहा हूँ माइनस टू एक्स वाई, उधर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर वाई वन, हो गया खत्म, इज इक्वल टू जीरो, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत इतने में, कुछ नहीं यार, सबसे आसान क्वेश्चन से तो बस वही है, डिफरेंशिएशन जितने पैरामीटर उतने बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, एनसीईआरटी में कह रहा हूँ तुम तीन एक्सरसाइज कर सकते हो आराम से और कर लेना आराम से, जो डाउट आएंगे तीन एक्सरसाइज के अगली क्लास कल लेके आ जाना, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल करा दूंगा, कल पहले वेरिएबल सेपरेबल करा दूंगा, फिर एक दिन होमोजीनियस कराना है, आज कौन सा डे, आज मंडे, ट्यूजडे को वो जाएगा, कल वेनसडे को लीनियर नहीं, वेनसडे को होगा होमोजीनियस, थर्सडे को जाएगा फिर, स्कूल तो फ्राइडे से कि थर्सडे से तुम्हारे, फ्राइडे से ना, तो बस इस अरे कितने बजे से कितने बजे है, मैसेज नहीं आया अभी मैथ्स का, अच्छा तो अबे सनराइज पर रेडी हो लाटे, चलो भाई बाय बाय एंजॉय।